नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक बेहद ही खास मेहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पत्रकार भी हैं और हृदय से कवि भी हैं, और आज अगर हम उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करें तो बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है और आज बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। हृदय नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़। सबसे पहले, आपका बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और आज आप विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में हैं, कैसा लग रहा है आपको? राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक काम करते हुए हमारा सौभाग्य रहा है कि मैं पंचायती राज की, गांव पंचायत की सबसे छोटी इकाई, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, संक्षेप में BDC कहा जाता है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य, वहां से शुरू करके जिला पंचायत का सदस्य और फिर विधायक, फिर पंचायती राज मंत्री, फिर संसदीय कार्य मंत्री, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष और 20 साल तक, लगभग 15 साल तक चीफ स्पोक्स पर्सन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, ऐसे सभी जगह पर, तमाम स्थानों पर अनुभव प्राप्त करने का आया अवसर हमको। तो मुझे लगता है कि जो ये काम प्रकृति और पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सौंपा है, तो उस समय के अनुभव और इस समय के वरिष्ठों के मार्गदर्शन और जो हमारी उम्र के हैं, हमसे छोटे, उनका सहयोग लेकर इस चुनौती में भी मुझे सफलता मिलेगी। दीक्षित जी, आप 5वीं बार विधायक बने हैं, पहले आप राज्य मंत्री रह चुके हैं पंचायती राज के, संसदीय कार्य के, जी संसदीय कार्य के, 1995 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक मंत्री के रूप में आपने कार्य किया है, विधायक के रूप में कार्य किया है, अभी आप विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी भूमिका में हैं। कैसे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है एक विधायक के रूप में जो अभी तक आपने काम किया है, मंत्री के रूप में आपने काम किया है और अभी आप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं? पहले के दायित्वों में और इसमें बहुत आधारभूत अंतर है। एक विधायक के रूप में संबंधित सरकार से विधानसभा के भीतर प्रश्नों द्वारा सरकार को जवाबदेह बनाना, औचित्य प्रश्नों द्वारा सदन की कार्यवाही में उसको नियमित करने का आग्रह करना, काम रोको प्रस्ताव लाकर तात्कालिक महत्व के मुद्दे उठाना, और जब विधानसभा में कानून बन रहा हो तो उसको गंभीरता से सुनना, देखना, संशोधन करना, अपने संशोधन पर बल देना, आदि विधानसभा के कामों में मैंने लगातार काम हस्तक्षेप किया है। मंत्री के रूप में, जैसे विधायक के रूप में मैं सवाल करता था, औचित्य प्रश्न लाता था, कार्यस्थगन लाता था, ऐसे मंत्री के रूप में, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनका उत्तर देने का भी अवसर मुझे आया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मत रूप में सभी विधायकों ने मेरे कामकाज की, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उसकी प्रशंसा की, सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था। और अब जब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखा विधानसभा में, तो नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय राम गोविंद जी, बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा, कांग्रेस के निर्दलीय विधायक, सभी ने बहुत भावुकतापूर्ण वातावरण में मुझे समर्थन देने और सर्वसम्मत निर्वाचन करने और आगे हमारी बात मानेंगे वो, ऐसा आश्वासन मुझे दिया है। सभी दलों की आत्मीयता, सभी दलों की प्रीति और विधानसभा का जो नया पूरा समूह आया है उसका समर्थन, उसके चलते मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और दुनिया के कई देशों से बड़ा सदन है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा, नेता विरोधी दल ने समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया, अपना दल ने किया, सभी दलों ने समर्थन किया। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष और भगवंत नगर क्षेत्र से 54,000 से ज़्यादा वोट पा करके जीत, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ। हाँ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत। इससे आपके प्रभाव के बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, वो चुनाव है और उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम, उनका व्यक्तित्व, उनकी सरकार की नीति, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव,
थोड़ा बहुत हमारा भी वोट रहा होगा 1000-2000। निश्चित तौर पर आपका वोट रहा होगा और पांचवी बार। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं वह भगवंत नगर क्षेत्र के मतदाता हैं। मैं उसके पहले पड़ोस की सीट है पुरवा, वहाँ से चुनाव लड़ता था। भगवंत नगर क्षेत्र में मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ और पहली बार जाना और अचानक सबके द्वारा हाथों हाथ लिया जाना, ये मेरे लिए भावुकता का भी मामला है, उनके प्रति धन्यवाद का भी मामला, अनुग्रह का भी मामला है। और अब जब मैं विधानसभा अध्यक्ष हो गया हूँ तो उनके प्रति दायित्वों का निर्वहन करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ऐसा अनुभव करता हूँ। ये विधायकों को आप कैसे कंट्रोल कराएंगे कि विधानसभा में एक अच्छी स्थिति रहे और विपक्ष भी अपनी बात कह पाए और सरकार भी अपनी बात कह पाए और अच्छे से विधानसभा अपना काम कर पाए? पहला कारण ये है कि आज से 5 वर्ष पहले की जो विधानसभा थी, उसके 5 वर्ष पहले की जो विधानसभा थी, उस समय मीडिया का प्रभाव क्षेत्र वैसा नहीं था जैसा अब है। अब मुख्यधारा का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ऐसे और तमाम प्रतिष्ठित चैनल हैं जो विधायकों का, सांसदों का और जो जिम्मेदार लोग हैं उनका कामकाज प्रतिपल आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। प्रिंट मीडिया का प्रभाव क्षेत्र बढ़ा है। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वहां पहले अखबार नहीं था 5-6 वर्ष पहले तक, अब वहाँ भी अखबार है, एक अखबार नहीं, हमारे गांव में ढेर सारे लोग अखबार पढ़ने लगे हैं, सारे चैनल देखे जा रहे हैं। तो अब माननीय विधायक पर, माननीय सांसद पर, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति पर अब ये दबाव है कि वो अपने कार्य को, अपने व्यवहार को, अपने उत्तरदायित्व को, उस पर जो जिम्मेदारियाँ आई हैं उनके निर्वहन में प्रत्येक माननीय सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि वो उसका काम देखा जा रहा है। कोई देखे या ना देखे, वो गाना है ना पुराना, अल्लाह देख रहा है तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हलेजार, तो वो जो सर्वोच्च शक्तिमान है वो तो देख ही रहा है, और जिन्होंने हमको भेजा है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, वह भी हमारे कामकाज को देख रहे हैं। एक बात, मैंने 3 कारण बताए थे। दूसरा कारण ये है कि लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद और राजधानी उसके आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते घामते प्रवास करते, और मैं नहीं मानता कि मैं बड़ा हूँ। जब उस सीट पर बैठकर काम करता हूँ तो उसके दायित्व का निर्वहन ठीक से हो जाए। कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं रहा कि किसी विधायक को, किसी सांसद को, किसी राजनीतिक दल के नेता को ऐसा लगा हो कि हम अहंकार भाव में हैं। इसलिए सब लोग मुझे प्यार करते हैं, और जब सब प्यार करते हैं तो मेरी बात मानेंगे, और विधानसभा की नियमावली भी कहती कि अध्यक्ष की बात मानी जानी चाहिए, लेकिन मैं नियमावली के कारण नहीं बात मनवा पाऊँगा। हमारे उनके बीच में आत्मीयता याराना है, इसलिए वो हमारी बात मानेंगे। और मैं एक नाम भी ले लूँ, माननीय आजम खां 3-4 दिन पहले शपथ लेने आए थे और हमारी उनकी बातचीत हुई, और अकेले होती तो मैं ना बताता, उनका बेटा था जो विधायक हुआ है और कई विधायक थे, तो उन्होंने कहा कि अरे यार अब आपको बैठा दिया गया ऊपर तो अब तो हम नहीं बोलेंगे। अब ये प्यारे तो है, वो कोई वैसी बात नहीं हो रही थी, और वह उन्होंने तो हमने उनको हंसी में कहा कि अब तुमने बोलना, अब हम बेटे को आगे करेंगे, उसको बुलवाएंगे। तो इस तरह की मित्रता माननीय शिवपाल सिंह जी मिले और ढेर सारे लोग, मैं 2-3 नाम ही ले रहा हूँ विपक्ष के, लालजी वर्मा जी, निर्दलीय विधायक राजा भैया, ऐसे सारे लोगों ने मुझे समर्थन की बात कही। तो 2 बातें हो गई, एक तो मीडिया का प्रभाव क्षेत्र और दूसरा जो मुझे समर्थन की बात। तीसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि हम सदन को चलाना चाहते हैं लंबे समय तक, यहाँ बहस होनी चाहिए, यहाँ वाद विवाद होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में सदन के भीतर फैसले लिए जाने चाहिए और सदन को बहुत चलना चाहिए। तो मैं पुरानी सरकारों में किसी दल का नाम नहीं लूँगा, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मैं किसी दल की निंदा नहीं कर सकता अपने दायित्व के निर्वहन में, लेकिन जो पहले की सरकारें थीं, मैं उस समय विधानसभा या विधान परिषद में था, तो उनमें सदन चलाने की इच्छा कम दिखाई पड़ती थी, और बजट सदन के भीतर आता है तो करोड़ों अरबों रुपये का बजट ऐसे ही शोर में, हाँ में, ना में, विधानसभा की कार्यवाही या लोकसभा की कार्यवाही आपने देखी होगी, तो वहाँ पर बताते हैं इतने अरब रुपया का स्वीकृत किया जाए, तो सत्ता पक्ष ने जोर से कहा हाँ, तो विपक्ष जोर से चिल्लाया ना, तो कहा हाँ कि अध्यक्ष विधानसभा या
विधान परिषद कहते हैं, हां की संख्या ज्यादा है इसलिए इतने करोड़ अरब इतने पारित। तो माननीय योगी जी का कहना कि नहीं, उस पर बहस होनी चाहिए। तो जब सत्ता पक्ष तैयार है और विपक्ष भी कहता है कि बहस होनी चाहिए, तो हमने जो तीन कारण बताए, एक हमारी आत्मीयता, सत्ता पक्ष की तैयारी, विपक्ष की तैयारी और आप लोगों का दबाव, तो मुझे लगता है कि आगे अच्छे दिन आने। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और निश्चित तौर पर आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, आपके सबसे मधुर संबंध हैं और वो विधानसभा चलाने में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे इस विधानसभा में नए विधायक यानी पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, आप उन विधायकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अपने अध्यक्षीय निर्वाचन के बाद हमने उनका ध्यान आकर्षित किया था कि उन्हें सदन में पूरा समय बैठना चाहिए और विधानसभा प्रक्रिया नियमावली, संसदीय आचार और व्यवहार की पद्धति, इससे जुड़े तमाम साहित्य, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पुस्तकालय बड़ा संपन्न है, बहुत किताबें, हजारों किताबें। तो हमने सबको आग्रह किया कि देखो किताबें आपका इंतजार कर रही हैं, किताबें उदास हैं, हमने विधानसभा में कहा था, तो आपको पुस्तकालय जाना चाहिए, पुस्तकालय में पढ़ना चाहिए, सदन में पूरे समय बैठना चाहिए, एक बात तो हमने ये कही। दूसरी बात यह है कि सरकार से परामर्श करते हुए एक कार्यक्रम बनाया गया है, 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जब सत्र शुरू होगा उसके पहले 2 दिन माननीय विधायकों को प्रबोधन करने के लिए, उनके सहायतार्थ उनको अधिक जानकारियां देने के लिए 2 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम सभी दलों के विद्वानों को आमंत्रित करेंगे, इसका कोई भेदभाव नहीं रहेगा, समाजवादी पार्टी के लोग भी आएंगे और विधायकों को पढ़ाएंगे। आप पत्रकार भी रहे हैं, आप आर्टिकल लिखते रहे हैं अलग अलग अखबारों में, बहुत शानदार आर्टिकल आप लिखते हैं, शब्दों में आप बहुत अच्छे से चयन करते हैं, आजकल जो पत्रकारिता का स्तर है इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? पत्रकारिता का स्तर अब मैं समझता हूँ कि उसका विकास हुआ है। ज़्यादातर लोग टिप्पणी कर देते हैं कि आजकल की पत्रकारिता गड़बड़ हो गई, मैं ऐसा नहीं मानता। मूल्यों का फर्क आया है, जब स्वाधीनता संग्राम इस देश में चल रहा था तो पत्रकार के सामने अंग्रेजी सत्ता की चुनौती थी और सारे पत्रकार, सभी दल, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, कई तरह के उसमें विचार थे, आंदोलनकारियों में लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, तमाम सैकड़ों पत्रकारों को जेल की यातनाएँ सहनी पड़ी, तब आज़ादी मुख्य लक्ष्य था, निशाना था आज़ादी। जब भारत आज़ाद हो गया तो हमारे निशाने पर कोई शत्रु नहीं रह गया, हमारे अपने लोग आए, हम विपक्ष में बैठे तो हमको लगा कि ये इनका विरोध कर रहे हैं, कभी वह विपक्ष में बैठे, और पत्रकारिता ने इस सत्य को बहुत नीचे तक पहुंचाया। सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, जैसे हम राजनीतिक दलों में सबके अपने दृष्टिकोण हैं, तो पत्रकार भी मनुष्य है और वो क्रिएटिव काम में लगा हुआ है, सृजन के काम में, तो उसका भी अपना दृष्टिकोण हो सकता है। आपका बचपन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं गुजरा, बहुत संघर्ष आपने किया है, गरीबी के दिन थे, कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो आपके चाहने वाले देख रहे हैं वो आपके जीवन के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। बहुत रायबरेली और उन्नाव जनपद की सीमा पर जहाँ सई नदी बहती है वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है, वहाँ हमारा जन्म हुआ और हमारे पिताजी के पास 2-2.5 बीघे खेती थी। पिताजी पढ़े नहीं थे, साधारण राम कथा किसी तरह पढ़ लेते थे और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई साक्षर नहीं था, कुछ भी नहीं लिख पढ़ पाता था। हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था, बहुत दूर स्कूल में पढ़ते आते जाते, तो अब हाँ अभाव तो कह सकते हैं कि अभाव रहा, लेकिन मेरे मन में कभी अभाव का प्रभाव नहीं पड़ा। जब मैं एमए का छात्र रहा तो मुझे याद आता है था हासिम या ऐसा कोई नाम था, और वो चलाते थे घोड़ा में जो सवारियां बैठाई जाती उसको, एक्का हमारे इलाके में कहते हैं, दिल्ली में क्या कहते हैं मुझे नहीं, घोड़ा तांगा, हाँ, तो ऐसे वो चलाते थे और वो सुनते कम थे। थाना अध्यक्ष आया और उसने उनको डाटा की किनारे हो जाओ, वो नहीं सुने, थाना अध्यक्ष ने उनको एक थप्पड़ मार दिया, मैंने थाना अध्यक्ष को मार दिया उसके बदले में, तो बड़ा बवाल हो गया, पूरा कस्बा बंद हो गया, सारे फिर ये जो ये हैं इक्का खड़खड़ा वाले उनको लेकर के मैं थाने में चला गया, थाने के भीतर बवाल हुआ, तमाम मुकदमे हुए। तो इस तरह से संघर्ष हुआ करते थे,
बाद में फिर मैं भारतीय जनसंघ में हो गया, लेकिन वो जो संघर्ष और आंदोलन है उसमें खूब मुकदमे हुए और हमने खूब माननीय न्यायालय के बाहर बैठकर। लेकिन कमजोरों की आपने लड़ाई लड़ी और उनकी दुआएं उनकी प्रार्थना ही कहीं ना कहीं काम आती हैं, इंसान को मजबूत भी। हाँ, ये हम लगातार करते रहे और हम कह सकते हैं कि 10 साल पहले या 15 साल पहले हमारी प्रदेश के नेताओं में गणना होने लगी, लेकिन वो काम हमने बंद नहीं किया। उनके यहाँ जाना, उनके साथ बैठना, हम संसदीय कार्य मंत्री हुए तब भी उनके यहाँ बैठना, उनके पास बैठने की जगह नहीं, उनका हाल चाल लेना, उनके काम को लेकर उत्तेजित होना। अब मैं ये नहीं जानता, मैं साइकोलॉजी के पूरे ग्रंथ बाँच गया हूँ, फिलासफी के बाँच गया हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मैं क्यों उत्तेजित होता। वो फिल्म आई थी ना अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है तो मुझे गुस्सा जैसे गरीब सताया जाए, तो कई बार ऐसे फंस भी जाता हूँ। मैं दिल्ली एक बार आ रहा था, दिल्ली के बाहर बाई रोड, तो एक दुकानदार ने अपने नौकर को पीट दिया, गिलास गिर गया था, तो वहाँ झगड़ा होने लगा। हमारे लोगों ने कहा इसमें झगड़ा है, तो अपने ही नौकर को पीट रहा था। हमने कहा हमारे सामने यार पीट रहा, झगड़ा हो गया। लेकिन जब उसने जाना कि हृदयनारायण दीक्षित, तो नौकर ने कहा आप तो लिखते हैं उसने कहा, जो वो होटल वाला था, नहीं तो वो उसके पास आदमी बहुत थे, वो चाहता तो हमको ठीक कर देता। लेकिन हमने उसके नौकर के पक्ष में उससे झगड़ा कर लिया बहुत। तो मुझे लगता है जो संवेदनशील होते हैं तो उनसे दो ही बातें हो सकती हैं, बहुत प्यार होगा तो आप या तो गाना गाएंगे या लड़ाई करेंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी उस लाइन को जरा अच्छे से परख लें और समझ लें कि अभाव का प्रभाव कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ा दीक्षित जी की, और उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, अपनी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी और आज उसका जो रिजल्ट है आपके सामने मौजूद है। दीक्षित जी आज जिस स्थान पर हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। दीक्षित जी, आप जो हमारे दर्शक हैं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दीक्षित जी हृदय कवि भी हैं, कविताएँ भी लिखते हैं, कविताएँ भी कहते हैं। नहीं, कविताएँ तो हमने नहीं लिखी हैं, लेकिन ये है कि आपका नाम शुमार होता है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में किताबें हमारी 26 किताबें हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें हैं, लेकिन वो कविता हमने नहीं लिखी। वो कविता जैसा हमारा लेखन है और वो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा तो जिसे प्यार होगा, आवाम से प्यार, अपने मित्रों से प्यार, उससे कल्चर से, तहजीब से, जो पुराना इतिहास है उससे प्यार होगा, तो उसके चेहरे से, हाव भाव से, उसके भाषण में, उसकी तकरीर में होगा वही जो पोएट्री जैसा होगा। आपका खुद का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, बहुत प्रेरणा स्रोत है बहुत सारे लोगों के लिए। क्या आप खुद, हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि अपनी बायोग्राफी लिखेंगे? ऐसा कई मित्रों ने कहा है और ऐसे बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि शायद आप लिखें और उन्हें डिटेल में जानने को मिले। नहीं, हमारा इतना दिमाग खराब नहीं कि कोई इंतजार कर रहा है हमारी बायोग्राफी के लिए। नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। लेकिन एक पत्रकार हैं उन्नाव जिले के पास, रायबरेली जिला है, दैनिक जागरण में पत्रकार रहे और कई अखबारों में रहे, तो वो शोध कर रहे थे हिंदी में, तो उन्होंने मेरे काम पर, मेरे लिखे पढ़े पर PhD पाई है, PhD अवार्ड हुई। हम PhD नहीं हैं, हमारे लिखने पर, हमारी पत्रकारिता पर उन्होंने PhD पाई, तो उसमें हमने अपने बारे में कुछ बातें कहीं, तो उसको पढ़ने के बाद हमारे मित्रों ने कहा कि आपको अपने बारे में लिखना चाहिए। तो हमारा, हम अभी ऐसा सोचे नहीं हैं अपने बारे में लिखना। उसके लिए तो हमारा ये मानना रहा है कि प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक व्यक्ति वो दिन भर जो बोला करता है वो उसकी आत्मकथा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो आपके चाहने वाले होते हैं, खासतौर पर आप जैसे इंसान की जीवनी लिखना, बचपन से ही शुरुआत करी, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा और आज एक बहुत ही अच्छे स्थान पर हैं, निश्चित तौर पर जो आपके चाहने वाले हैं या और लोग जो आपको देखते सीखते हैं आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लिखनी चाहिए बायोग्राफी। बड़े लोग हुए हैं जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने लिखा है अपने बारे में, तो गांधी जी ने तो पूरी ईमानदारी से लिखा। राजनेता जब अपने बारे में लिखता है तो अपना वो पक्ष तो लिखता है कि हमने ये संघर्ष किया, हमने ये आंदोलन किया, जहाँ उसका जय घोष है, जहाँ जयगान है, वो पक्ष तो लिखता है। वहाँ वो नहीं लिखता कि एक बार हमको पार्टी वालों ने ज़मीन में बैठा दिया और हम मंच की तरफ देखते रहे, वहाँ नहीं बैठे तो भीतर भीतर सुलग रहे थे, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। लेकिन हृदय नारायण दीक्षित जी अगर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो राजनेता होने के साथ साथ
हृदय कवि भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं। जैसे परसों पुस्तक मेले में लेखक से मिलिए कार्यक्रम था जी, तो वहाँ हमसे एक सवाल पूछा गया था कि आपको सबसे बड़ा नेता जिससे आप प्रभावित हों उसका नाम लीजिए। तो मैंने कहा मैं सबसे बड़ा नेता हृदय नारायण दीक्षित को मानता हूँ और मैं हृदय नारायण दीक्षित से प्रभावित रहता हूँ और हृदय नारायण दीक्षित के कारण हमारा नुकसान भी होता है जी। कहीं गुस्सा आ गए तो वो नुकसान उन्हीं का। तो लोग लिखते समय वो बात नहीं लिखते जो भीतर जी, जो उनको सूट नहीं करती। और मैं जब कभी लिखूँगा तो मैं वो भी बातें लिखना चाहता। उस पुस्तक में जो PhD का शोध है उसमें इंटरव्यू हमारा है, तो हमने उसमें ये बातें बताई हैं कि कई बार ऐसे मौके आए और मैं पद की इच्छा में बहुत तनावग्रस्त रहा। परसों भी हमने कहा कि 4 महीना पहले आप जब TV पर हमको देखते तो हम उदास थे कि नहीं, तो लोग हंसने लगे। तो हमने कहा अब आपको हम खुश नज़र आते हैं कि नहीं, देखो पद मिल गया तो हम खुश हैं। तो हम बाकी राजनेताओं का आदर करते हैं, किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बताते हैं कि हाँ पद मुझे अच्छे लगते हैं। और ये बहुत कम राजनेता अपने आप कहते हैं कि पद मुझे अच्छे लगते हैं, कोई स्वीकार। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं पद की हमें कोई कोई ख्वाहिश नहीं, कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन तमाम पद पाकर, लंबे समय तक विधान परिषद, लंबे समय तक विधानसभा, ऐसा पद पाकर मेरा घर वैसा ही है जैसा पिता हमको दे गए थे। और हमारे रहन सहन में, हमारे जीवन यापन में किताबें बढ़ गई हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है, मित्रों की संख्या बढ़ रही। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनेताओं का आदर करते हुए कि सबसे ज़्यादा मित्र, जैसे किसी के बैंक बैलेंस हो ज़्यादा कई करोड़ का, तो हमारे पास मित्रों का बैंक बैलेंस जितना है उतना दूसरे के पास नहीं है। बहुत ढेर सारे लोग प्यार करते हैं, जो मिले वह प्यार करते हैं, और उनका भी जो निंदक हैं, क्योंकि हम लोगों की पर्सनालिटी निंदा और वो दोनों से बनती है ना। अगर कोई निंदा ही ना करे, सब हाँ हाँ करने लगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो जो लोग निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, कोई बड़ी बुराई तो ढूंढ नहीं पाते। भगवान नगर क्षेत्र में जो हमारे विरोधी थे उनको कोई बिंदु नहीं मिला हमारे खिलाफ क्या बोलें। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बूढ़े हो गए और ये कमज़ोर हैं, ये तो चल फिर नहीं पाएंगे। तो हमारे, हम तो उत्तर नहीं दे रहे थे। हमारा ख्याल, हम उत्तर प्रदेश के अकेले प्रत्याशी रहे होंगे कि मेरे सामने खड़े प्रत्याशियों की मैं पहले प्रशंसा करता था कि वो लड़का अच्छा है जो चुनाव लड़ रहा है, वो भी लड़का अच्छा है जो चुनाव लड़ रहा है, सब बच्चे अच्छे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रत्याशी हूँ, सरकार बनने जा रही इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ, बाकी अच्छे यही सब लोग हैं। तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि ये तो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो गए और बहुत कमज़ोर हैं। तो हमारे ऊपर दबाव पड़ा कि आप इसका उत्तर दीजिए। सब उस क्षेत्र के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने कहा कि आप चाचा इसका उत्तर दो, आप विरोधी आरोप लगा रहा। तो हमारे सामने वो एक दीवार पर एक पेंटिंग, वो जो वो विज्ञापन होते हैं ना दवाओं के, तो उसमें हकीम जी का नाम लिखा हुआ था मर्दाना कमजोरी के लिए मिले तो हमने कहा भाई ये विज्ञापन दीवार में है जी। तो मैं इन हकीम जी से मिलूंगा तो विरोधी लोग परेशान हो तो मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। तो उनका भी आदर है, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में जी। दोनों का आदर है और व्यक्तित्व बनता भी है अंधकार और प्रकाश से मिलकर, जो द्वैत है जीवन का, गर्मी और सर्दी दोनों का द्वैत और प्रकाश और अंधकार का द्वैत, दिन और रात का द्वैत। तो ये जो द्वैत है इससे जीवन बनता है। और लिखने वालों में शेक्सपियर ने इस द्वैत पर बहुत ध्यान दिया है, द्वंद्व पर। उसके सारे नायक इस द्वंद्व में फंसे, तो फंसते फंसते फिर वो अनिद्रा का शिकार हो जाते थे, बहुत आत्महत्या के किनारे पहुंच जाते थे, ऐसा शेक्सपियर के ने बड़ा सुंदर चित्रण किया। हमारे यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होता भारत में, कि भारत में पहले से ही मान लिया जाता है कि सब ईश्वर कर रहा है, तो इसमें द्वैत काहे का। और गीता जैसे पुस्तक है तो उसको, अर्जुन को भी यही दिक्कत आई थी कि ये ठीक है कि दिस वे आर दैट वे, हम परिवार वालों को मारें तो संपदा मिलेगी, न मारें तो भी गड़बड़। तो यहाँ मार्गदर्शन कृष्ण ने दिया कि नहीं, सब ये दुनिया हम चला रहे हैं, तुम लड़ाई करो जी। लेकिन अभी भी जो आपका एनर्जी लेवल है, जो स्फूर्ति है, अभी भी आपको देखकर कम उम्र के लोग भी कहीं सामने आपके टिक नहीं पाएंगे। आपके चैनल के जरिए बताएंगे फिर हकीम जी की दवा हमने ली नहीं
उसकी जरूरत पड़ेगी जरूरत नहीं पड़ेगी। पद मिल गया तो थोड़ा जवानी लौट आई, और फिर आप जैसे लोग मिल गए एनर्जेटिक, तो जैसे बीमारी संक्रामक होती है जी, किसी बीमार के पास बैठिए तो संक्रमण हो जाता है जी, तो ऐसे स्वास्थ्य भी संक्रामक होता है, आपके साथ आधा घंटे बैठे तो कुछ तो असर पड़ेगा हमारे ऊपर। आप तो भगवान से यही कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। जो आपके दर्शक देख रहे हैं, आपके चाहने वाले देख रहे हैं, वो ये मान लें कि आपकी बायोग्राफी बहुत जल्द हम देख सकते हैं, आप अपनी जीवनी लिखेंगे। हम यही कह सकते हैं कि इंशाल्लाह इंतजार करना चाहिए। आखिरी में दीक्षित जी, अगर आप प्राइम न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें। निश्चित रूप से जो इस प्रतिष्ठित चैनल को देख रहे हैं उनमें से कुछ छात्र होंगे, युवा होंगे, मैं अभी भी 4-5 घंटे पढ़ता हूं, और दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो भी 4-5 घंटे पढ़ता था, विधानसभा चली तो भी, हमारे घर में कोई घरेलू कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह हुआ तो भी, हमारे घर में किसी का निधन हुआ तो भी 4-5 घंटे की पढ़ाई लिखाई चलती रही है। मैं नौजवानों से कहूँगा कि खूब पढ़ना लिखना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता, जहाँ का मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ और बाहर भी तमाम लोग देख रहे होंगे इस चैनल को, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि कोई भी परिस्थिति विपरीत आए तो मानकर चलना चाहिए कि इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश का ज्ञान विज्ञान और इस देश के सारे समूह, उनके नाम कुछ भी हों, उनको कोई अगड़ा कहेगा, कोई पिछड़ा कहेगा, कोई हिंदू कहेगा, कोई मुसलमान कहेगा, वह सारे के सारे लोग इस देश के अंग हैं, और सबके प्रति प्रीति भाव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन मजहब, ये न देखते हुए कि इनका नाम क्या है, ये न देखते हुए कि इनका आस्था क्या है, पंथ क्या है, मजहब क्या है, सबको आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए, और अपने खेमे के लोगों से, अपने खेमे माने राजनीतिक वर्ग जी, केवल भाजपा नहीं जी, जो पॉलिटिकल क्लास है उससे मैं अनुरोध करूंगा कि आपको देखा जा रहा है, सावधान रहना चाहिए जी। चैनल के पत्रकार मित्र हैं उन सबको बधाई, आपको बहुत बधाई कि आपने बहुत सुंदर सवाल पूछे, सवाल बढ़िया ना होते तो उत्तर बढ़िया ना होते। दीक्षित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे दिल खोल कर बातें करी, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से और ईमानदारी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, जिन्होंने दिल खोल कर हमसे बातें करी और हर पहलू पर, हर मुद्दे पर खुलकर बोले, और ये भी बताया कि विधानसभा जिस तरीके से अब तक चलती आई है अब बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगी, विधानसभा में वाद विवाद होगा, बात होगी, बहस होगी, विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, सरकार भी अपनी बात रखेगी, और जो नए नए विधायक खासतौर पर चुनकर आए हैं, जो पहली बार विधानसभा पहुँचे हैं, उन्हें भी अच्छे से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे विधानसभा में उन्हें अपनी बात रखनी है। उसके अलावा पत्रकारिता के बारे में बहुत सारी बातें बताएं, अपनी जीवनी भी हो सकता है बहुत जल्द जो चाहने वाले हैं उनके लिए अपनी खुद की एक ईमानदार जीवनी वो लिखने जा रहे हैं, आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आप हृदय नारायण दीक्षित जी की जीवनी पढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ ही अभी के लिए अलविदा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।